हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं एक टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं यार कि ना शादी के बाद हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, हस्बैंड साथ नहीं देते, कोई लॉस भी इंसल्ट कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसी चीज़ में मेरी कोई पूछ नहीं करता। इस तरीके के यार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो ही बना दूँ। अगर हस्बैंड आपके दब्बू हैं, दब्बू का मतलब क्या? दब्बू का मतलब ये, वो अपने माता पिता से ही बहुत ज़्यादा दबते हैं। मतलब ऐसी फैमिलीज़ जो होती है ना, जहाँ पे बच्चे को दब्बू बना दिया जाता है, सबसे पहले तो जो वो फैमिली होती है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। वहाँ पर सही गलत कुछ नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ डोमिनेट किया जाता है एक दूसरे को। और जो इंसान दबने वाला होता है उसके तो अरमानों का ना गला घोट करके लोग रख देते हैं, है ना। तो ऐसे में अगर आपका हस्बैंड आपको दब्बू मिल जाए, दब्बू अगर मिल गया तो वो आपकी कहीं भी, उसकी खुद की ही कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, तो आपकी तो रिस्पेक्ट वो कहाँ से कराएंगे, है ना। कोई इन लॉज आपको कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, किसी भी प्रकार का इंसल्ट कर देते हैं, तो हस्बैंड कभी भी ये नहीं कहते उनको कि ये चीज़ गलत है सही है। आपको जलील पे जलील करवाए जाते हैं, और उन्हीं के, इन लॉज के ही इशारों पर जब वो चलते हैं तो आपकी वैल्यू एक नौकरानी के जैसी हो जाती है उस घर में। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ताकि, हस्बैंड तो जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है, जो भी है चल रहा है, कुछ कर्मा ही होता है हमारा, जो वो स्टैंड लेने वाला बंदा लाइफ में नहीं आया, हमने भी कुछ कर्म किए होंगे ऐसे, ये सारा कुछ एक कर्मा होता है। सबसे पहले तो आप, जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी वीडियोस बनाती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनेंगी इस चैनल पे, मुझे लग रहा है यार माइंड में, पता नहीं कहाँ से कमेंट पढ़ पढ़ के लोगों की प्रॉब्लम जब पढ़ती हूँ ना, तो अपने ही टॉपिक से और 10 टॉपिक दिमाग में आने लग जाते हैं। तो जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बनाते, तो आप अपने उस दब्बू पति को एफर्मेशन डाल के पानी दे सकते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं, थैंक यू भगवान जी। इस तरीके की पॉजिटिव एफर्मेशन डाल करके एक तो आप हस्बैंड को पानी पिलाएं, और अपने मन ही मन ये कहना छोड़ें कि वो दब्बू है, वो दब्बू है, वो दब्बू है, वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, ये सब नेगेटिव चीज़ें आपको दिमाग से निकाल देनी है। सारा कुछ आपने अब पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है। हमारा ये पूरा चैनल जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव टॉपिक उठाएगा, बट उसको हम पॉजिटिव तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है, हस्बैंड भैया बहुत ज़्यादा दब्बू है, रिस्पेक्ट खुद की भी नहीं है, तो मेरी तो कहाँ से करवाएंगे। तो ऐसे में उनको पानी एफ एम करके पिलाइए, आपके हस्बैंड मेरे मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी फैमिली में उन्होंने मेरे लिए स्टैंड ले लिया है, मेरे लिए बहुत अच्छे से उन्होंने स्टैंड लिया, हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इन लॉज मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरीके का पानी पूरी फैमिली को भी आप पिला सकते हैं। और एक्शन आपने क्या लेने हैं? एक्शन अपने आपने ये लेने हैं, सबसे पहले तो आप अपने खुद में चेंज लाएं। जो आप नेगेटिव, इतनी ज़्यादा आप नेगेटिव होती जा रही हैं कि आपने अपने आप को ही बिल्कुल एक नौकरानी का वो दे दिया है, वही मैं एक नौकरानी हूँ, मैं एक दासी हूँ, उस तरीके से आप अपने आप को सोचने लग गई हैं, तो आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आप नौकरानी नहीं हैं, आप एक बहुत अच्छी और बहुत प्यारी महिला हैं, ठीक है। अपने आप में ना कोई टैलेंट ढूँढें, सब में भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा दिया हुआ है जो आपको करने का शौक है। जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं, कोई भी टैलेंट वो हो सकता है, हर एक इंसान में परमात्मा ने कुछ ना कुछ टैलेंट डाल के भेजा हुआ होता है, अपने टैलेंट को फॉलो करें। जब भी आपका जो भी काम वगैरह है, घर का काम धंधा निबेड़ करके आप अपने टैलेंट को फॉलो करें, ठीक है। अपने टैलेंट को फॉलो करते हुए आप उस चीज़ में महारत हासिल करने की कोशिश करें, अपने उस टैलेंट को ना सोशल मीडिया पर लेकर आएँ। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा हो चुका है, आप कुछ भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर लेके आए, या किसी भी प्रकार से आप कुछ ऐसा ज़रिया बने ताकि आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकें। जब आप टोटली पैसों के ऊपर डिपेंड होते हैं ना दूसरे पे, तो इंसान आपका बहुत ज़्यादा, यार ये लगा लीजिए आपको ना
बंदर की तरह नचाते हैं लोग, जिसके हाथ में पैसे की पावर होती है ना, सारा का सारा सिस्टम वो इंसान ही अपने तरीके से बना के चलता है। वो जैसे नचाएगा लोगों को वैसे नाचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने ना अपने लिए कुछ अर्निंग का सोर्स बनाना है, जो आप पर्सनल अर्निंग का सोर्स बना सकें। वो आप देखेंगे आपने क्या टैलेंट है, किस तरीके से आप बनाएंगे। अब बात करते हैं उस दब्बूपति की। उस दब्बूपति को अब आप ही ने ये बोलना है कि जो आपकी ये जो बदतमीजी है, जो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते ना किसी चीज़ का सही गलत, आप कोई भी निर्णय खुद नहीं ले पाते, तो ये चीज़ें सरासर गलत हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको क्लियरली ये आप बता दो कि मैं कोई भी अब गलत चीज़ बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, ठीक है। और हाँ, साथ ही साथ आपने ये भी करना है, कई बार लड़कियाँ क्या गलती करती हैं, स्ट्रिक्टली इन लोग को बोल करके उनसे ना बात करना छोड़ देती हैं। तो आपने ये सब नहीं करना, आपने उनसे बात करना ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उस घर में सासू माँ है, ससुर है, जो भी है, देवर है, दरानी है, मतलब जो भी है इन लोज फैमिली में, नंद नंदोई जो मर्जी है, देव फैमिली इन लोज में होते हैं, इन आपको उनसे ना बातें करनी नहीं छोड़नी। अगर वो बोलते हैं तो आपने बिल्कुल उनको हाँ जी रिप्लाई करना, उनकी हर एक बात का, हर एक चीज़ों पर अपने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को उनके सामने रखना है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखिए, क्योंकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हर एक चीज़ को, आगे से आगे बढ़कर हर एक चीज़ में हिस्सा लीजिए। अगर कोई चीज़ आपसे छुपाई जा रही है, आपसे दूर रखी जा रही है, तो उन चीज़ों को पूछिए, ये क्या है, ये मेरे से क्यों छुपाया गया, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, क्या मैं इसका फैमिली, मैं इस घर की फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, इस तरीके से एटीट्यूड में आए। ये कुछ गलत चीज़ें नहीं हैं, सेल्फ फ्रेंड आप खुद लेंगे, आपकी रिस्पेक्ट आपने खुद बनानी है, दूसरे लोग नहीं बनाएंगे, उनको तो मज़ा आ रहा आपको दबाने में, आप दब्बू बने जा रहे हो, दब्बू की पत्नी बने जा रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ों से, ठीक है ना। आपने सेल्फ स्टैंड लेना है, गलत चीज़ों पर रोक लगानी है, और हाँ, मन ही मन उनके लिए पॉजिटिव थॉट्स भेजते रहना है कि मेरी फैमिली, सभी मेंबर, मेरे लॉज बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं, इनके अंदर रिस्पेक्ट की भावना है, ये मैं भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ये भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी फैमिली बहुत प्यारी और अच्छी फैमिली है। इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे। आपने नेगेटिव तो उनके लिए कुछ क्रिएट करना ही नहीं है मेंटली, ठीक है ना। जो भी आप करेंगे पॉजिटिवली करेंगे, और इस तरीके से आप राइट एक्शन लीजिए। जो चीज़ सही होती है, बिल्कुल नैतिक मूल्यों पर आधारित, वो चीज़ों आप करेंगे, वही एक्शन आप लेंगे, तो धीरे 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 आपकी एक सेल्फ स्टीम बननी शुरू होगी, और धीरे धीरे वो जो दब्बूपति था वो भी थोड़ा उठना शुरू होगा, उसको भी पता चलेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा था। भले ही वो आपके सामने ज़ाहिर ना करे, थोड़ा बहुत ईगो होता है मैन में, भले ही वो आपके सामने ज़ाहिर ना करे, बट उसको रियलाइज़ होगा जी मैं गलत कर रहा था। तो इस तरीके से आप जब स्टैंड लेंगे ना, तो वो जो कुत्ते बिल्लों की भीड़ लगी हुई थी ना आपके आसपास, वो आप भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप एक शेरनी थे या शेर थे, जो भी थे, अभी सोए हुए थे, अब आप उठ चुके हो। जब आप दबे हुए थे ना, तो उन कुत्ते बिल्लों ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भौंकों भौंकों करना शुरू कर दिया था, उन्होंने सोचा तो मरा हुआ है, बट आप तो यार शेर हो, उठो फटाफट, ठीक है ना। अपनी वैल्यू खुद बनाओ, और भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, बस आप मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक फॉर वॉचिंग।